ओनियन और कुछ चीज़ें। हाँ ठीक है, आपके साथ आरपी लिखने लगी है। आरपी का फुल फॉर्म किसको पता है, लाजमी बताना। पहनेगा तू चड्डी पहन ले, ऐसे करते हैं कि पोमी की बर्थडे फार्म हाउस में करते हैं इस बार। सही है, मेरा अच्छा प्लान है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे प्रैंक करूं जिससे मेरी वाइफ मुझसे नाराज हो या। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉमी आरपी। तो आज का कुछ ऐसा सीन है कि मैं आपको ये सब बताने वाला हूं कि हम लोग सारे मिल के बस चिल गाइस। तो आज हम अपने मनाने वाले हैं सारे घर वाले, पूरी फैमिली पिकनिक का। ठीक है, पिकनिक कहाँ पर, फार्म हाउस की पिकनिक जो ना हमारी जा रही है। अभी फार्म हाउस हम लोगों ने करवाने जाना है, और कहाँ पर जाते हैं अभी देखते हैं। बुकिंग ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे फार्म हाउस देखेंगे, जो अच्छा लगेगा उसकी बुकिंग करवाएंगे। ये कुछ पता नहीं, डेट डिसाइड होगी। वैसे तो 12 तारीख बोल रहे हैं, लाइक 12 अगस्त, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 12 अगस्त को हम जा पाएंगे। हो सकता है डेट आगे पीछे भी हो जाए, बाकी देखते हैं। पूरी फैमिली फर्स्ट टाइम हम लोग जो ना जाने वाले हैं फार्म हाउस, पूरी फैमिली फर्स्ट टाइम जिंदगी में, लाइफ में कभी पूरी फैमिली एक साथ नहीं गई इस तरह से पिकनिक फार्म हाउस में। ठीक है, मतलब सब गए गए ऐसा हुआ है। हाँ क्या हुआ, तुम लोग भी जाओगे ना पिकनिक में? हाँ ना। क्या पहनोगे फिर? अभी जो मम्मा पापा निकालेंगे। तू पहनेगा? मैं तो पहनूंगा। तू चड्डी पहन लेना बस, तेरा ओए पिकनिक के पेटीकोट पहनेगा। ये इसके काम देख कर, क्या पहनेगा जरा, पैंट कोट पहनेगा। और आप क्या पहनोगे, शेरवानी? शेरवानी पहन लेना। ठीक है, ब्लैक वाली शर्ट, ब्लैक वाली पैंट मैं आपके साथ मैचिंग करूंगा। ठीक है, और तू क्या पहनेगा, तू फ्रॉक पहनेगा? ये सबसे तेज है, इसने देखो कौन सा जवाब दिया। मेरी मम्मा की, जो मम्मा लेकर आएगी वही पहनेगी, ये सबसे तेज है। ठीक है ठीक है, ये पैंट कोट पहनेगा। हाँ तेरी मम्मा को बता। हे तेरा मुंडा ही क्या है रे, मैं क्या क्या पहन के जाएगा पिकनिक पे फार्म हाउस, पैंट कोट। चले जी, मैं फाइनली घर आ गया हूँ पिकनिक की। आप लोग ही बोलोगे ये क्या फार्म हाउस बुकिंग कराने जा रही है, ये क्या हो। असल में मेरी सिस्टर की, आपको पता है, 2 दिन पहले तबीयत जो ना ख़राब हुई थी, तो उनकी तबीयत ना अभी भी उस तरह से बेहतर नहीं है। ठीक है, तो मम्मा ने सबको जो ना मना कर दिया। मम्मा ने बोला अभी कोई पिकनिक नहीं जाएगी जब तक इसकी तबीयत सेट नहीं होती, एक हफ्ता होने दो, इसकी तबीयत सेट होगी, हमें लगा बेहतरी है, फिर हम लोग सारे जाएंगे फार्म हाउस, नहीं तो नहीं जाएंगे। मंथ के लास्ट में जाएँ अब। ठीक है, नहीं क्या चीज़, वो आपको जैसे तो पता हमारी फैमिली में बेबी भी आने वाला है, तो शायद 1-2 हफ्ते में ऑपरेट भी है, तो ये भी एक मसला है। मैंने उनको तो यही बोल के भेजा था कि जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन लास्ट में ही है, लास्ट में ही है महीने। हाँ। के अभी भी यही हुआ, क्योंकि रोमा की तबीयत थोड़ी सेट नहीं है ना, आज भी बेहतरी नहीं हुई इस तरह से। जिस दिन ये उठ के जो ना लड़ाई करेगी ना, उस दिन ये बेहतर हो जाएगी, अभी ये बेहतर नहीं है। आप बता देना कि ऑपरेट है, तो भाभी का भी वो तो उनको पता है, उनको आप जा रहे हैं वो लोग ना, हमें बोले चलो खुदा बेहतर करे उनके लिए भी। तो भी ये कि भाई फार्म हाउस की पिकनिक मम्मा ने कैंसिल करवा दी, तो हमारा तो ये था कि चलो हम चले आएंगे, ये अपना 12 तारीख का, 13 तारीख का हो जाता फार्म हाउस, तो मज़ा आता, पूरी फैमिली फर्स्ट टाइम जा रहे थे, मज़ा आता बहुत। बर्थडे में दिन करवा लेते, वहीं केक काट लेंगे। अच्छा, नाइट पिकनिक कराते हैं। हाँ, सब लोग गिफ्ट्स भी ले आएंगे मेरे लिए, और मैं उसको अपने गिफ्ट्स की बड़ी है। उसको अपने गिफ्ट्स की है, पिकनिक भी हो जाएगी। हाँ, चले ऐसा कुछ वैसे भी तो घर पे आना ही है, सबने देख वेख बनवानी है, चलो खाना वाना भी हम लोग। हाँ चलो, फार्म हाउस की पिकनिक हो जाएगी, हम लोग बनवा लेंगे, मम्मी को बोलना चाहिए, हम लोग सारे फैमिली नाइट फार्म हाउस करवा लेंगे। ठीक है, इनको बोलेंगे फार्म हाउस बुक कराओ, हम लोग खाने का सारा प्रोग्राम कर लेंगे, क्योंकि खाना तो वैसे भी हमने बनाना है, ऐसे कर लेंगे फार्म हाउस बोला बुक करवाएं। नाइट में गिफ्ट ले मेरे लिए, मेरी बर्थडे के। अच्छा, हम लोग देख वगैरह बनवा लेंगे। सही है, चलो फिर ऐसे करते हैं कि पोमी की बर्थडे फार्म हाउस में करते हैं इस बार। सही है, मेरा अच्छा प्लान है ये भी। सही है, फिर बहुत ज्यादा लेट नहीं हो जाएगा बेगम, 9 सितंबर? नहीं अभी पता भी चलना महीना, चले फिर ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल चलते जरा बाहर कुछ देखते थोड़ा सा, और अभी चलो चले बाहर पर आते, थोड़ा माइंड फ्रेश करके आए, मेरे ना दिमाग थोड़ा सा वो हो गया अजीब सा, अरे टेंशन आ जाती है यार आए दिन कोई ना कोई, पर क्या ही करें। घर पे आ गया था अभी जो ना पोमी ने जो ना इसका दिल कर रहा था कि पिज्जा खाने का और चाउमीन, और इसने मंगवा लिया। क्या नहीं कर रहा था, आपको जितने दिन से बोल रहे पिज्जा खाने को दिल करे, मैं पिज्जे की बात की थी, लेकिन चाउमीन किसने मंगवाया, मैंने आपको सरप्राइज दिया। कितना झूठा ना ये, इसने जो ना चाउमीन इसने मंगवाया, पिज्जा मेरा दिल कर रहा था, मैंने बोला था, लेकिन ये नहीं था बोला कि आज मंगवाओ, इन्होंने आज ही मंगवा लिया। घर पे दाल चावल बने हुए, मैं तो वही खाए, मैं तो मजा आ गया दाल चावल के।
ये बताओ ना अपना क्या कह रहा था मेरे पे क्यों बंदूक मेरा चाउमीन खाने को दिल ये मेरे कंधे के ऊपर ऐसे बंदूक रख के मेरा चाउमीन खाने को दिल कर रहा था आपके लिए मैंने पिज्जा मंगवाया चलो मैं नीचे जाता हूँ जरा चाय भी ले लेता हूँ और पता नहीं पिज्जे वाला अभी तक आया नहीं 55 मिनट उन्होंने दिए हुए भाई कम से कम 40 मिनट बंदा देता है लेकिन अभी टाइम पूरा हो चुका है मैं नीचे जाता हूँ जब तक चाय बनवाता हूँ चाय लेकर आऊँ या नहीं अभी रुक जाओ ना इतना सब कुछ साथ में पिज्जे के साथ कौन चाय पीता है पीते हैं सारे पीते हैं पिज्जे के साथ चाउमीन चाउमीन बोल रहा हूँ चाउमीन के साथ चाय सब चलता है यार खाने के बाद चले जी ऑर्डर हमारे आ गए हैं फाइनली और हमने सीट इसलिए बेड से हटा दी हैं नहीं चले जी ऑर्डर मैं लेकर आ गया तो ठीक है फाइनली अभी कॉमी भी आ रही है ये लो आपने जो मंगवाया था ये आपके चाउमीन है पता नहीं कौन से वाले ये तो वेज वाले लग रहे हैं मेरे को अच्छा वेज वाले ठीक है और साथ में आ गया पिज्जा आ जाओ चलो पार्टी करते हैं भाई जी आपको ये पिज्जा दिखाते ये है मुगलाई डिलाइट पिज्जा है ये वाला लेकिन इस बार कुछ अलग ही दिख रहा है ना चीज ज्यादा ही लग रही है इस बार ये बहुत यम्मी होता है ग्रीन सॉस होती है इसके अंदर ऑनियन और कुछ चीजें हाँ ठीक है उन्होंने ऊपर रख दिया होगा ना जल्दी जल्दी में और ये रहे इनके वेज वाले चाउमीन वाह ओए ये तो नॉन वेज आ गए अब किस्मत देखो अपनी वाह झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं आपने चिकन ही मंगवाया था लेकिन आपने मुझे वेज ही बोला था ये ऐसा भी होता देख लो एक दफा याद है मैं टिक्का लेने गया था पता नहीं कुछ बिल बना है 1200 कुछ का एक दफा याद है मैं टिक्का लेने गया मैं टिक्का लिया और टिक्के के साथ ना पता नहीं क्या हुआ लकीली उसके साथ ना वो होते विंग्स विंग्स के 3 पीस आ गए मेरे पास वो बहुत टेस्टी और इतने मजे के थे ये बोरे की लेकर आए हो ये ऐसे बोरी बोरी ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लेकर आए मैं क्या मैं नहीं लेकर आया ये क्या आ गया बीच में देखा तो विंग्स भी आ गए वाह लक देख लो हमारा और यहाँ पर ये जो ना देखो केचप के साथ आरपी लिखने लगी है आरपी का फुल फॉर्म किसको पता है लाजमी बताना जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो हमसे प्यार करते हैं उनको पता है आरपी क्या है ना आरपी वो हैं जो कि बहुत साफ दिल के हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है हर बात ऑन कैमरा बोल देते हैं वो ये नहीं देखते कि कैमरा ऑन है और हमें ये बात करनी चाहिए नहीं जो दिल में बात होती है वो दिल की बात बोलते हैं और ये रहे आरपी ठीक है आरपी वो चीज़ है हार्ड भी बना रहे हो बस बस कैचअप ज़ाया हो जाएगी पहले नहीं है ये सब बनाने में नाम ना आपका है आरपी राइट अभी हम पिज़्ज़ा टेस्ट करते हैं ये पकड़े कितना प्यारा लग रहा है रुको बहुत ही ये रहा पिज़्ज़ा ये रही केचप डो इसकी बहुत सॉफ्ट होती है और ना ये कैश नहीं खाता ये सब चीजें ये नहीं खाता बताता आपको थोड़ी देर में नहीं खाता जन पिज़्ज़ा नहीं खाता इसलिए ये पराठे का शौकीन है आरपी अभी हम मिटाते हैं आरपी को हम खाते हैं चले जी गाइस अगला दिन स्टार्ट हो गया और अगला दिन स्टार्ट हो गया शाम भी होगी जबकि हमने नाश्ता पानी सब कुछ कर लिया है ठीक है और अभी ये है कि यार बाद में मज़ा बहुत आया है ठीक है मैं खाया था अपना पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बहुत ही अमीर था जैसे ही मैंने चाउमीन खाए हैं चाउमीन बिल्कुल मजे के नहीं थे और उसकी ना जो बोटियाँ होती हैं ना वो भी थोड़ी थोड़ी कच्ची रहती है चाउमीन की मुझे नहीं पसंद आते और मैंने इसको पहले मना किया था यहाँ से चाउमीन नहीं मंगवाया और अच्छे नहीं होते हाँ पिज़्ज़ा इनका है पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है नाइस पिज़्ज़ा है चले खैर कोई बात नहीं तो मिलते हैं आप लोगों से कल अच्छे से मेरे साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करो नीचे सजेशन दिया करो जिससे मुझे काफ़ी लोगों ने बताया था कि आप ये साइड विज़िट करो ये साइड विज़िट करो फिर फूड व्लॉगिंग है ना या और कुछ क्या करें यार मुझे रिवेंज लेना है भूमि के साथ एक प्रैंक है लेकिन वो मैं नहीं कर सकता भूमि के साथ लाइक लोगों को मज़ा तो बहुत आएगा उसमें मिर्चि भी बहुत ज़्यादा है लेकिन ना मैं भूमि को हट नहीं कर सकता समझ रहे हो प्रैंक करने में भूमि को बहुत ज़्यादा हट हो सकता बहुत ज़्यादा लेकिन वो प्रैंक मुझे इस वजह से नहीं करना दो प्रैंक है बल्कि एक भी नहीं है वो दोनों से ही हर्ट होगी तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे प्रैंक करूं जिससे मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ हो या उनको हर्ट हो भले वो बाद में सेट हो जाएगी प्रैंक का सुन के लेकिन एक टाइम पे हर्ट तो होगा ही तो इसलिए मैं वो प्रैंक नहीं करने वाला कुछ ऐसा बनाओ फनी सा हो मतलब मज़ा भी आए और कॉमी को भी अच्छा लगे कि हाँ यार ये मज़ा आ गया कल अच्छे से वीडियो के साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करो शेयर किया करो देखो उस दिन भी आपने 5-5 शेयर किए कहाँ हमारी वीडियो पहुँची ना मैं आपको 5 शेयर करूँ बस खलास।